नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने असेट्स के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होता है और उनके कितने टाइप होते हैं। अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बोलूँ तो लायबिलिटीज़ वो बोरोइंग्स होती हैं, वो पैसा होता है जो कंपनी को आगे जाकर किसी न किसी को पे करना होता है, और ये पैसा पे करने के लिए कंपनी लीगली बाउंड होती है। तो कंपनी क्या, आपने जब भी किसी कंपनी के बिजनेस के बारे में सुना होगा या बिजनेस को एनालिसिस किया होगा, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना भी हो, आपने लायबिलिटी शब्द तो जरूर सुना होगा। तो लायबिलिटी इसे ही कहते हैं। अब लायबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? लायबिलिटीज़ के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है करंट लायबिलिटीज़, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। जो एक करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, इसको कंपनी को एक साल से अंदर के समय में चुकाना होता है। एक साल से अंदर के समय में, एक साल से ज़्यादा नहीं रखते लायबिलिटीज़, ठीक है, जिनमें आती हैं अकाउंट्स पेवेबल, या फिर आसान शब्दों में बोल दो पेमेंट्स, वो पेमेंट्स जो कंपनी ने कोई कोई गुड्स खरीदे हों या फिर सर्विसेज खरीदी हों और उनका पेमेंट करना हो, ये वो होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, वो लोन्स जो एक साल से कम समय के लिए लिए हों और जिन्हें चुकाना हो। कुछ प्रोविजंस जैसे कि इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST और अदर टैक्सेस और चार्जेस, जो कि हमें वो भी साल के अंदर ही पे करने होते हैं। चौथी चीज आती है रेंट्स, यानी कि जो किराया होता है, आमतौर पे मंथली बेसिस पे होता है, क्वार्टरली बेसिस पे। इंटरेस्ट पेवेबल, जो भी इंटरेस्ट पे करने होते हैं साल भर के अंदर करने होते हैं, जो एक साल के अंदर, और इंश्योरेंस के जो अदर चार्जेस वगैरह होते हैं। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो कंपनी को एक साल में पे नहीं करनी होती है, जो कंपनी को एक साल से ज़्यादा समय के टाइम पीरियड में पे करनी होती हैं, जो कि हो गए लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब कि वो लोन्स जो एक साल से ज़्यादा समय के लिए कंपनी लेती है। दूसरे हो गए बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब वो पैसा जो कंपनी ने एक तरीके से पब्लिक से बोरो किया हुआ होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है पेंशंस बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, यानी कि वो पैसा जो कंपनी को अपने पेंशन होल्डर्स को देना होता है। और चौथी होती है लॉन्ग टर्म लीज ऑब्लिगेशंस। तो दोस्तों, ये दो ही टाइप की लाइबिलिटीज होती हैं, जिसमें से एक करंट होती है और एक नॉन करंट होती है। दोस्तों, वैसे तो कंपनी में लायबिलिटीज़ होती हैं और किसी भी बिजनेस में, चाहे वो मीडियम साइज़ का बिजनेस हो या अच्छे खासे साइज़ का बिजनेस हो, उसमें लायबिलिटीज़ तो होती हैं, लोन्स होते हैं, डेट्स होते हैं। लेकिन किसी कंपनी में अगर लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो तो इस कंपनी का एक कंपनी के लिए एक परेशानी का विषय हो सकता है ये, ठीक है। दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो था, आज की वीडियो में बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं था लायबिलिटीज़ में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।